नमस्कार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, स्टडीज़ चल रही होगी। सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं, और तो सोशल वर्क होता क्या है, उसकी एग्ज़ाम्स में या परीक्षाओं में परिभाषा या डेफिनेशन क्या लिखते हैं, सोशल वर्क का स्कोप कहाँ कहाँ है, क्या क्या एरियाज़ में है, और इसके साथ वैल्यूज़ क्या हैं, तमाम चीज़ों पे हम, मेथड्स क्या हैं सोशल वर्क के, तो ऐसे बहुत सारी क्वेरीज आई थी हमारे स्टूडेंट्स की, जिसको हमने ध्यान में रख कर के ये बेसिक, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर करने की आज कोशिश करेंगे। तो मैम, आप बताइए हमारे व्यूवर्स को, लर्नर्स को, कि सोशल वर्क है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद सर कि सोशल वर्क यानी समाज कार्य एक प्रोफेशनल वर्क है। पहले ये नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब डेवलप हुआ, उसके बारे में विचारधाराएं डेवलप हुई, तो ये आज एक प्रोफेशनल वर्क है। ये एक लोगों के जो स्तर है, जीवन जीने का स्तर है, उसमें वृद्धि करता है, उसका डेवलपमेंट करता है, और एक पॉजिटिव इंटरवेंशन है, सकारात्मक हस्तक्षेप, लोगों के जीवन में सकारात्मक हस्तक्षेप करके और उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, लोगों की कुछ आवश्यक आधारभूत आवश्यक होती हैं आवश्यकताएं होती हैं, मतलब बेसिक नीड्स होती हैं, जिससे जिनकी पूर्ति ना होने पर उसका सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी सकता व्यक्ति। तो ये जो सोशल वर्क है, वो हमेशा ट्राई करता है, कोशिश करता है कि लोगों की कम से कम बेसिक नीड्स, जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, वो कंप्लीट हो। तो जी, थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगा कि आधारभूत या मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, उसमें क्या आएंगी? हमारे पास जॉब हो जी, या हम सभी के पास में कुछ काम करने के लिए रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, कुछ न कुछ एक आय का स्रोत हो, जिससे हम अपने घर का, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, घर परिवार को सहायता कर सकें। खाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, कपड़े की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना? तो रहने के लिए घर होना चाहिए, हमारे बोलते हैं ना छत होना चाहिए, बिल्कुल, तो वो है। और वो ये सारी नीड किससे पूरी होंगी? आजीविका से। तो जाहिर सी बात है, हमारे पास आजीविका तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ मैडम रोल क्या होगा सोशल वर्कर का, कि सोशल वर्कर कैसे इन सब में हेल्प करेगा लोगों की? लोगों को आजीविका दिलवाने में, उन जैसे कैसे प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं, उनको जागरूक करके, जैसे किसी के पास देखा जाता है कि स्किल्स हैं बहुत सारी, लेकिन वो अपने ही स्किल से उन्हें मालूम नहीं होता है कि मेरे पास इतने अच्छे कौशल हैं, तो उनका डेवलपमेंट करने में एक सोशल वर्कर बहुत अहम भूमिका निभाता सरकार है। सरकार की योजनाओं को भी लोगों तक पहुँचाने, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार की क्या योजनाएं चलती हैं, जैसे कि कौन कौन सी पेंशन है, वृद्ध पेंशन है, विधवा। इसके अलावा ये भी सोशल वर्कर करते हैं कि कोई अगर किसी समस्या में है, जैसे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या है, तो उसमें काउंसिलर के रूप में, और जो अभी नई शिक्षा नीति हमारी भारत की, अभी हम 2022 में बात कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हर CBSE स्कूल में काउंसलर की रिक्वायरमेंट होगी। तो कहने का मतलब है कि सोशल वर्कर का जो इंटरवेंशन होता है, हस्तक्षेप होता है, वो आप देखेंगे कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने में, जो समाज में पिछड़ गया है, जिसको अवसर नहीं मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने में, उनको एम्पावर करने में, सशक्त करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो मैडम जी आगे। हाँ, और सोशल वर्क एक प्रोसेस है जो एक व्यक्ति के लिए भी काम करता है, समूह के लिए भी काम करता है, समुदाय के लिए भी काम करता है, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड कम्युनिटीज़ की हेल्प करता है, है ना? और उनके जैसा पहले बोला, इनहेंसिंग एबिलिटीज़ वाइल गाइडिंग द इंडिविजुअल, मतलब हर एक व्यक्ति को गाइड करता है कि आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना? और सोशल वर्क एक वेलफेयर एक्टिविटी है, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के कल्याण के लिए वो बहुत योगदान देता है सोशल वर्क
इसके लिए भी काम करता है, एबल टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स, हमारी जो लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो एक व्यक्ति के रूप में करे, एक समूह के रूप में करे, एक समुदाय के रूप में करे, तो लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास करता है, और टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स, लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में प्रयास करता है।